Hello students, let us start chapter number 2 of economics, indicators of growth and development. ये वीडियो में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे. तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे. तो ये मोस्ट कंट्रीज दे फॉर्म एन ऑब्जेक्टिव टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो पुअर कंट्रीज थे, दे अटेम्प्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, देन डेथ्स ड्यू टू हंगर, इनकम इनइक्वालिटी एक्सेट्रा, एंड ड्यू टू दिस टू इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वाइल जो कंट्रीज डेवलप ऑलरेडी थे उनके हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का उनका एम था. सो मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज द एम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एंड अटेनिंग स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. यानी डेवलपिंग कंट्री हो वो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहेगा, उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहेगा, और जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहेगा. सो प्रीवियसली इट वॉज बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही बात है, दे आर इक्वल, बट इट इज नॉट सो. ये फिगर में आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ लिमिटेड कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. यानी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट का सबसेट है. सो डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है. ये ग्रोथ के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड में भी चेंज आना चाहिए. पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड शुड बिकम हाई, बेटर. सो ग्रोथ प्लस इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल विल मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम आगे समझते हैं. लेट अस सी अबाउट ग्रोथ. सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, और इन सिंपल वर्ड्स द राइज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो ग्रोथ जस्ट रिफर्स टू इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री. कंट्री की इनकम कितनी बढ़ी, दैट्स ग्रोथ. सो वो क्वांटिटेटिव फैक्टर है. आप क्वांटिटी दे सकते हैं, क्वांटिटी आप उसको वैल्यू लगा सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट का लिमिटेशंस क्या है, तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस को कंसिडर करेगा. इनकम, नेशनल इनकम को ही वो कंसिडर करेगा. सो लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कंट्री का नेशनल इनकम और कंट्री का पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई बदलाव आए. सो कंट्री का इनकम बढ़ने से जरूरी नहीं है कि लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का थिंकिंग, लोगों का हैबिट्स, सोसाइटी का स्ट्रक्चर में कोई चेंज आए. नॉट नेसेसरी. सो ये कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है, बिकॉज वो सिर्फ नेशनल इनकम का राइज को दिखाता है. सो इट इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, बिकॉज वेलफेयर इज नॉट ओनली ड्यू टू मनी. देयर other factors also which help in understanding the welfare of people. So let's talk of the next topic called economic development. Usko define karte hai. Economic development is a process which increases the factors of production and create changes in the technique of production, due to which per capita income continuously increases and the standard of living continuously rises, irrespective of whether population remains constant or increases. Yani aap yahan dekh sakte hain ki per capita income to badhega hi, yani wo to economic growth ki baat hai. At the same time standard of living bhi rise ho. Yani you see, growth plus living standard will now become development. To economic development ke characteristics agar dekhe
तो वो स्लो प्रोसेस है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक साथ एक झटके में नहीं होगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट के कोई आदमी 5 साल में गवर्नमेंट बना के 5 साल में चमत्कार करके कंट्री को डेवलप कर ले, वो होता नहीं है। वो 15, 20, 30, 40 साल का स्लो प्रोसेस है। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं, यानी ग्रोथ ऑफ इनकम एंड इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, दोनों होते हैं। राइज इन द इनकम, जब इनकम बढ़ेगा तो देयर विल बी राइज इन द डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। यानी इनकम का राइज से लोगों का लिविंग स्टाइल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आएगा, बिकॉज देयर विल बी मोर डिमांड, पीपल विल स्पेंड मोर मनी फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी आइटम्स। डेवलपमेंट के कारण एजुकेशन लेवल्स भी बढ़ेगा, एंड सो लेबर जो होगा वो ज्यादा डायनेमिक बनेगा, ज्यादा एक्टिव बनेगा, ज्यादा वो विचारशील बनेगा और ज्यादा इनोवेटिव बनेगा। न्यू बिजनेसेस विल स्टार्ट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा एंड ज्यादा कैपिटल फॉर्म होगा, और ये कैपिटल से वापस ये साइकिल चलेगा, ये कैपिटल नए बिजनेस वापस इन्वॉल्व इन्वेस्ट होगा। सो द होल साइकिल विल कीप ऑन ऑकरिंग और इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। देन देयर बी अ शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी से कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ लोग आएंगे, द मार्केट विल शिफ्ट। बलदगाड़ा टी ट्रैक्टर, साइकिल टी एरोप्लेन, दैट्स अ शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। और एक स्टेज के बाद डेवलपमेंट खुद सेल्फ मोटिवेटिंग बन जाएगा, मीनिंग सी मान लो कोई कंट्री डेवलप हो चुका है, यानी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। अब जो लोगों को हायर लिविंग स्टैंडर्ड की आदत बन चुकी है, वो लोग नहीं चाहेंगे कि वापस कोई सिंपल लाइफ, लो टेक्नोलॉजी वाली लाइफ की और वापस जाए, वो नहीं चाहेंगे। तो वंस यू अचीव डेवलपमेंट, आपको वो डेवलपमेंट मेंटेन करना ही पर्सन होता है, यानी वो सेल्फ मोटिवेटिंग होता है, अब आगे ही बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट का लिमिटेशंस लिख लेते हैं। नाउ इट मे इंडिकेट प्रोग्रेस ऑफ नेशन एज अ होल, बट इट कैन नॉट बी द इंडिकेटर फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। कंट्री में डेवलप, यानी कंट्री में सुविधा बढ़ सकती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज, बट क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है कि वी डोंट नो। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो है लाइक ग्रोथ, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी है। लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज होना वो क्वालिटेटिव फैक्टर है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी। एंड दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मे टेक प्लेस इन अ कंट्री, बट इट मे नॉट इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। सी कंट्री लाइक इंडिया, हमारा एक मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत हाई टेक है, हायर लिविंग स्टैंडर्ड को वो लिव कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ड्रास्टिक पॉवर्टी भी इंडिया में है, विलेजेस बहुत सिंपल लाइफ जी रहे, लो टेक्नोलॉजी वाले लाइफ जी रहे, उनके पास फैसिलिटी भी कम है। सो डेवलपमेंट मे और मे नॉट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो अभी दोनों को समरी कर ले, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। सी ग्रोथ इज एन अकरेंस, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों चेंज होते हैं। ग्रोथ का फोकस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का, एंड डेवलपमेंट का फोकस है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द अनयूटिलाइज रिसोर्सेज। ग्रोथ इज द फोकस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ऑलरेडी जो डेवलप है उसको अभी लिविंग स्टैंडर्ड को और इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ग्रो करेंगे। डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज का फोकस होता है। ग्रोथ इज इजी टू मेजर बिकॉज ये फिगर है। डेवलपमेंट डिफिकल्ट टू मेजर बिकॉज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों फिगर होते हैं। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नैरो है, इसका थोड़ा बहुत ब्रॉड है डेवलपमेंट का। ग्रोथ रिलेट्स ओनली टू इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम,
डेवलपमेंट का फोकस डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद पर कैपिटल इनकम होता है, यानी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, सबको मिल रहा है कि नहीं। ग्रोथ कैन बी रैपिड, डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। हमने आगे देखा था कि ग्रोथ होने के बाद ही डेवलपमेंट होगा, या ग्रोथ डेवलपमेंट का एक सब पार्ट है। ऑलराइट, सो ये पार्ट हमारा ओवर होता है। अगले वीडियो में हम आगे हम ये लेसन को आगे देखेंगे। चलो, सी यू, बाय।